इतने टाइम से इस वेब सीरीज को देखना चाह रहा था, बट कभी सोच रहा है यार आज देखूं कल देखूं। एटलीस्ट मैंने डिसाइड किया यार इसको देख ही लेते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज के बारे में। इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पर, टीवीएफ के चैनल पर, और टोटल इसके अंदर 5 एपिसोड हैं। अगर आप लोगों को जो टीवीएफ के ऊपर अभी हाल फिलहाल में एस्पिरेंट्स वेब सीरीज रिलीज हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी है, अगर वो पसंद आई है तो डेफिनेटली ये वाली वेब सीरीज आपको पसंद आने वाली है। और ये कोटा फैक्ट्री है ये सीरीज तकरीबन 1.5 साल पहले आ चुकी है एस्पिरेंट से। एस्पिरेंट वेब सीरीज की जो कहानी है वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के ऊपर है। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बच्चे हैं दिल्ली जाते हैं राजेंद्र नगर में, एज इसके अंदर भी सेम टू सेम बच्चे, मतलब यूपीएससी नहीं लेकिन वही पढ़ाई से रिलेटेड आईआईटी जेई की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं। और जब बच्चे कोटा जाते हैं तो उनके प्रिपरेशन से लेकर उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब चीजें हंसी मजाक के साथ साथ और प्यार से हमारे सामने रखी गई है। इसका जब फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा तो मैं इतना कनेक्ट हो गया था, इसके लगातार मैंने इसके 5वें एपिसोड देख ली है। इससे कनेक्ट हुए क्यों ना यार, इसके अंदर हर चीज एकदम बढ़िया है। आप चाहे डायरेक्शन की बात करें, आप चाहे राइटिंग की बात करें, चाहे आप स्क्रीन प्ले, चाहे वो आप परफॉर्मिंग की बात करें, हर चीज इसमें अव्वल दर्जे की है। टीवीएफ की कमाल की बात यह है कि ऑडियंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ में डेली होने वाली चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से एक तरीके से पता नहीं कैसे रिसर्च कर लेते हैं, उससे रिसर्च करके हमारी डेली लाइफ के ऊपर चीजें बनाती हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, चाहे वो जॉब के ऊपर हो, चाहे वो रूममेट के ऊपर हो, सारी की सारी अगर आप वेब सीरीज देखें तो इतनी बढ़िया इन्होंने बनाई है। बहुत आसानी से हम इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम वो चीज जो है वो रियल हो रही है हमारे सामने, आंखों के सामने हो रही है, और वो चीज हमने कहीं ना कहीं फेस की है। टीवीएफ जो है एंटरटेनमेंट के तौर पर तो अच्छे से काम कर ही रहा है, साथ में ये मोटिवेशन का भी काम कर रहा है। अगर आप लोगों ने एस्पिरेंट का लास्ट एपिसोड देखा था जिसमें संदीप भैया ने बहुत अच्छे से इमोशनल करके एक सक्सेस की, एक परिवार की अहमियत उन्होंने समझाई थी, सेम एज टू इस वेब सीरीज के अंदर कोटा फैक्ट्री के अंदर भी इसमें जीतू भैया है जो हमें एक लाइफ का एक लेसन देते हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे सामने एक्सप्लेन किया। सच कहूं ये जीतू भैया और संदीप भैया ये करेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात टीवीएफ की ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, मोटिवेशन के ऊपर फोकस करते हैं, कुछ सिखाने के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि बॉलीवुड के फालतू कंटेंट के उसमें प्रोपोगेंडा घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। कोटा फैक्ट्री में जैसे दिखाया और बताया गया, पहले कभी ये शहर हुआ करता था, अब ये फैक्ट्री बन गया है। बच्चों को रैंकर और बैंकर की फॉर्म में देखा जाता है, बच्चों को रैंक के हिसाब से बांट दिया जाता है, टॉप बच्चों को, टॉप स्टूडेंट के अच्छा ख्याल रखा जाता है, जबकि टॉप में ना आने वाले बच्चों को कोई पूछता भी नहीं है। तो बच्चा अपने माँ बाप के दबाव में कोटा आ गया जबकि उसे कोई चीज करनी ही नहीं थी। इसमें एक सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया जिसमें 3 दोस्त वैभव, मीणा और उदय बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, तो वैभव को एक बात, जो उदय जो वैभव को बात बोलते हैं कि तुम आए क्यों हो कोटा, क्या तुम्हारा मेन मकसद यहाँ पे आके दोस्त बनाना था, या तुम्हें यहाँ पर आकर अपना आईआईटी में क्लियर करने के लिए अपनी तैयारी करनी थी, गोल सेट किया उसको पूरा करना था, तो अपने गोल पर ध्यान दो। ये दोस्त बन गए हैं, ये कोई रिवीजन नहीं है कि तुम इसको बार बार करने की जरूरत ही पड़े, तो अपने गोल पर ध्यान दो ताकि तुम यहां से जब जाओ तो ये फ्रेंडशिप की जो यादें हैं वो अच्छी सी मेमोरी बनके तुम्हारे साथ रहे, ना कि तब तुम्हारा पेपर क्लियर ना हो और तुम्हें फिर यहां पर गुस्सा आए और तुम इसी फ्रेंडशिप को लेकर गालियां दे रहे हो। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर एक कलाकार ने अपनी परफॉर्मेंस सच में बहुत ईमानदारी से प्ले किया, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा अरे यहां इसने कम किया, बहुत बढ़िया है, हर एक का किरदार उस पर सूट करता है। मेरी तरफ से कोटा फैक्ट्री को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। सर अगर आप लोगों ने ये वेब सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को इसके अंदर सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सा करेक्टर सबसे अच्छा लगा, कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखो यार, जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट है तभी आप ये देखें, बिना स्टूडेंट हुए भी आप एक लाइफ को देख सकते हैं कि आईआईटी जेई में तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर कैसी वो लाइफ वो जीते हैं, सारा दिन वो उनका पढ़ाई में निकल जाता है, कैसे वो दुनिया से कट जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता अपने इतना टाइम बिता देने के बाद। जो बहुत अच्छी में जो जीतू भैया हैं, जितेंद्र कुमार, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली इसके अंदर कि इतना टाइम यहां पर बिताने के बाद तुम दुनिया से कट हो जाते हो, तुम्हें इस ये 2 साल निकालने में तुम्हारे 4 साल 7 साल निकल जाते हैं अपने दिमाग में से। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।